हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहरोज अली और आप देख रहे हैं शेरिबल टीवी। दोस्तों, उभरती दुनिया का एक रवाज ये भी है कि आजकल घर घर में टीवी और एलसीडी मौजूद है। इस एलसीडी और टीवी की मदद से घर घर में ड्रामे देखे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान में आए रोज कोई ना कोई ड्रामा ट्रेंडिंग में रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम जून 2020 में टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामों के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल बहुत देखे जाते हैं और बहुत मशहूर ड्रामे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक शेरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, जून के पहले दिनों में मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रामों की ईद नाजरीन और मकबूलियत में इजाफा देखा गया। यकीनन ईद की छुट्टियां इनमें से बहुत से लोगों के हक में निकली थी, क्योंकि इन्होंने अपनी पिछली दर्जा बंदी से एक या दो जगह ज़्यादा उठा ली थी। लेकिन हमें इस हकीकत पर भी गौर करना चाहिए कि इनके औकात में काफ़ी हद तक टेलीफिल्मों की तरह तब्दील किया गया था और फ्यूचर फिल्मों की प्रीमियर को हफ्ते भर में देखा गया था। इनमें से कुछ ड्रामे अपने इख्तिताम के करीब हैं और ये वाजिहा है कि वो इस फुर्सत में क्यों हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूँ टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों काउंटडाउन। तो दोस्तों, नंबर वन ट्रेंडिंग ड्रामा कौन सा है? दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि नंबर वन ट्रेंडिंग ड्रामा कौन सा है। दोस्तों, इस टाइम पाकिस्तान में नंबर वन ट्रेंडिंग ड्रामा इर्तुगरुल गाजी है, जो कि दोस्तों तुर्की की सीरीज है। इर्तुगरुल गाजी पहले ही पाकिस्तान में कई रिकॉर्ड बना चुकी है और कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और इसकी हैरत अंगेज सिनेमाग्राफी और ताज़ा साजिश के साथ चार्ट पर राज करती है। दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में बेहद मकबूल हो चुका है। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा नंबर टू इश्किया के बारे में। दोस्तों, हानिया आमिर ने ट्रेंडिंग ड्रामों की फुर्सत से सबकदोश होने से इनकार कर दिया। इश्किया इस फुर्सत में इनकी दूसरी एंट्री है और पाकिस्तान के दूसरे मकबूल ड्रामों में पहले ही जबरदस्त हिट रही है। ये ड्रामा बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है पाकिस्तान में और काफी लोगों का पसंदीदा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा नंबर तीन। दोस्तों, ड्रामा नंबर तीन में हमारे पास है ये दिल मेरा। दोस्तों, ये ड्रामा खत्म होने के करीब है और ये हम टीवी पर दिखाया जाता है। ये दिल मेरा इस शो की मकबूलियत के बारे में मखलूत आरा है, लेकिन ये वाकयातन अहद वफा के बाद अहमद रजा मीर का 2020 का दूसरा ब्लॉकबस्टर सीरियल है। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा नंबर फोर के बारे में। दोस्तों, ड्रामा नंबर फोर पे हमारे पास दीवानगी ड्रामा है। दोस्तों, दीवानगी ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। दोस्तों, इस ड्रामे में दानिश तैमूर हीरो और हिबा बुखारी हीरोइन का किरदार अदा कर रही है। दोस्तों, ये ड्रामा भी ट्रेंडिंग में है आजकल और बहुत मकबूल हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा नंबर फाइव के बारे में। दोस्तों, ड्रामा नंबर फाइव पे हमारे पास है प्यार के सदके ड्रामा। दोस्तों, ये ड्रामा अपने देखने वालों का दिल जीतता रहता है। ये ड्रामा चार्ट में मुस्तहकिम पोजीशन बरकरार रखे हुए है और आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि इसमें कुछ मकामात मुंतहिब होंगे और ये ड्रामा और भी ज्यादा मजेदार बनाया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा नंबर सिक्स के बारे में। दोस्तों, ड्रामा नंबर सिक्स में हमारे पास है दिलरुबा ड्रामा। दोस्तों, दिलरुबा का प्लाट इस फुर्सत के बहुत सारे ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये इतना दिलचस्प नहीं है। चाहे नाजरीन इस शो को पसंद कर रहे हों या ये इंतहाब ईद की वजह से हुआ था, हमें आने वाले हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये ड्रामा कितना मकबूल होता है या नहीं होता, ये कितना हिट होता है या नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ड्रामा नंबर सेवन में एक और हम टीवी जिसने इस हफ्ते के टॉप 10 ड्रामों में जगह बनाई, वो ड्रामा सब बात है। ड्रामा सीरियल पहले ही अच्छे जायजे हासिल कर रहा है और नाजरी नई इकसात के मुंतजिर है। ये ड्रामा देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब इस ड्रामे की नई इकसात आए और हम देखें। दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा नंबर एट के बारे में।
दोस्तों ड्रामा नंबर 8 में हमारे पास है इमरान अब्बास का एक ड्रामा जो तू चाहे, हफ्ते के टॉप 10 ड्रामों का बकायदा हिस्सा बन रहे हैं। इमरान अब्बास ये सीरियल भी TRP में अपने नुमाया इजाफे की वजाहत करते हुए किसी नतीजे पर गामजन है। ये भी बेहद मकबूल होने वाला ड्रामा है जो कि इमरान अब्बास, इस ड्रामे में इमरान अब्बास एक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रामा नंबर 9 के बारे में। दोस्तों ड्रामा नंबर 9 में हमारे पास है थोड़ा सा हक। दोस्तों ये ड्रामा भी इमरान अब्बास का है। दोस्तों ये ड्रामा अपने अहतमाम के करीब है और इसी वजह से नाजरीन इसके ओवरमेटिक और आम मंसूबे के बावजूद इस शो में वापस जाते रहते हैं। ड्रामा पिछली दर्जाबंदी से एक जगह छलांग लगा चुका है और चार्ट पर बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा और देखने लायक ड्रामा है। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रामा नंबर 10 के बारे में। दोस्तों ड्रामा नंबर 10 में हमारे पास है राजे उल्फत ड्रामा। राजे उल्फत काफ़ी नया ड्रामा है और अभी इसकी कहानी के साथ नाजरीन को राजी भी करना है। यमुना जैदी और शहजाद शेख, गोहर रशीद और कोमल अजीज स्टार हैं। इस फुर्सत में जियो एंटरटेनमेंट का पहला ड्रामा है। ये ड्रामा भी दोस्तों देखने के काबिल है। तो दोस्तों अभी जाएं सर्च करें और देखें अपने पसंदीदा ड्रामे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों जिन्होंने अभी तक शरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।